तो कैसे आप सब। मैं हूँ आपके शमी बात। जो मेरी आज की रेसिपी है वो है पकौड़ी। ये मैंने कीवी की पकौड़ी आज ट्राई की है, तो इसकी रेसिपी डाल सोचा कि आप लोग से शेयर करती हूँ। बहुत ही ईजी रेसिपी है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं पकौड़ी को बॉईल करूँगी। उसके लिए मैंने लिया पानी, ऑयल और नमक, और उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी पकौड़ी का पैकेट। ठीक है, आप जो मर्जी अच्छी है पकौड़ी लें। तो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक बॉईल किया, और अच्छे से बॉईल हो गई है। अलग से कढ़ाई में लूँगी ऑयल और प्याज ली है, और मैं इसको इतना पकाऊँगी कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसमें इसमें ऐड करूँ कीमा, और उसको मैं इतना पकाऊँगी जो कीमा है वो वाइट कलर में आ जाओ, अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी नमक, ऐड करूँगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ऐड करूँगी हसबे साइक का, इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी मैं, और इसमें ऐड करूँगी मैं टिक्का मसाला का पाउडर, और मैं इसको विनीगर और सोया सॉस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपके चाहे आपकी मर्जी चिली सॉस डाल लें, केचप डाल लें, तो इसे मैंने ऐड किया है, केचप ऐड की थी आखिर में। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी 2 मिनट तक। उसमें इसमें ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी शिमला मिर्च को, और उसको 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी केचप। इसके लिए मैं ऐड कर दूँ केचप। केचप मैंने ली है चिली केचप, आप चाहे इसमें आप टोमेटो केचप ऐड कर लें, चिली सॉस भी ऐड कर लें। उसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक पकाने के बाद ऐड कर दूँगी, जो उबाल कर रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसको तकरीबन 2 मिनट तक कवर कर दूँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।